ये देखो भूत आ गया अभी वो। मेरे तो एल लग गए। So hey YouTube family, this is Anmol Kapoor. Welcome back to my another vlog. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:10 और आज काफी ज्यादा लेट व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी हम उड़ा रहे हैं पतंग। मुझे तो पतंग उड़ाने आती नहीं है, मेरे भाई को आती है, तो इसी वजह से मेरा भाई भी ऊपर आया हुआ है। एंड ये कल वही वाली पतंग है जो कल फट गई थी मेरे से, तो अभी इसको टेप से जोड़ दिया है। तो अभी उड़ाते हैं पतंग। ये तो प्रो लेवल का खिलाड़ी है पूरा पतंग उड़ाने में। बस मैं ही हूँ बस एक जिसको पतंग ही नहीं उड़ाने आती, बट मैं भी देखो सीख लूंगा। एंड अभी पतंग उड़ाने लगे हैं, वो भी उड़ाने लगे हैं प्रो लोग। एंड एक तो वो उड़ रही है, ये देखो। तो अभी मेरे भाई ने पतंग उड़ाई ली, वो देखो वहाँ तक है पहुँची। अभी तक पीछे पहुँचानी है, वो पेचा लगाना है वो वाली पतंग से। तो अभी भाई ने वहाँ तक पहुँचा ही दी, देखो अभी पेचा लगने वाला है दोनों का। अभी देखो मैं उड़ा रहा हूँ, ये देखो। तो अभी मैं उड़ाने लगा हूँ, देख लो इधर तक पहुँची है, दिखा रहा हूँ। उड़ाने तो नहीं आती, घर से बाहर नहीं निकालने आती, बाकी ये देखो एक चीरा भी पड़ गया था कल, ये एक इधर भी, ये साइड, ये देखो बुलंदियां छू रही है हमारी। देखो काइट दिख नहीं रहा होगा ना, ये देखो डोर दिखती है, अब देखो वो बुलंदियां छू रही है। तो फ्रेंड्स वो देखो दोनों की इकट्ठी वो हो गई है, ये देखो ये तो अभी अभी हंस रहा है। वो तो नीचे गिर गई है, वो सामने जा रही है, वो देखो वो रही है। हाँ वो देखो ये जा रही है। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:21 और अभी हर्ष अपने घर पर आ चुका है। एंड देखो पोस भी पड़ चुकी हुई है। एंड एक बात और, ये है मेरी बाइक एंड ये है हर्ष भाई की बाइक। तो करें फिर मोटो व्लॉगिंग। हाँ ये चलती है, मतलब 150 की स्पीड पे चलती है। देखो हालत से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये 150 एंड ये तो पूरी 200 की स्पीड से है। क्यों भाई, सही बात क्या? नहीं ये 200 की स्पीड पे, ये 150 की। एंड लुक देखो इसकी, और क्या खतरनाक एग्जॉस्ट लगाया ना जो मैंने। क्यों एग्जॉस्ट अच्छा लगाया ना? हाँ ये देखो इसका तो 1.5 लाख का एग्जॉस्ट लगाया। एंड देखो इसकी नंबर प्लेट तो गई हुई है, खत्म हुई पड़ी है। देखो यहाँ से पानी से भी धुआं निकल रहा है। तो देखो सामने भगत सिंह का स्टैचू है, मतलब वो भी पूरे कोहरे में डूब गया हुआ है। अभी दिखाते हैं आपको स्टैचू कैसा लग रहा है। तो देखो अब मैं और पास आ गया हूँ इसके स्टैचू के। तो शहीद भगत सिंह जी का ये स्टैचू है। तो देखो एक बात और तो मैं आपको बताने ही भूल गया, ये वो पार्क है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी देखी गई है। काफी जानों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पर देखी है, तो अभी हम वहाँ पर ही खड़े हैं। तो फ्रेंड्स अभी अपना हर्ष भाई भी अपना एक्सपीरियंस बताने लगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसे कि हम इतने बच्चे हो जाएंगे, हाँ इतने 8-9 साल में, 8-9 साल। तो क्या था, घर वाले मुझे बाहर से ज़्यादा आने देते थे, तो मेरे घर से ये पार्क बहुत दूर है। तो इधर जब आते थे तब ये पेड़ पौधे नहीं थे, ये झूले लगे हुए थे, ये करते ये तो झूला पिंक नहीं थी, लाइट वाली घोड़े वाली की पिंक तो मैंने भी ली है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। फ्लाइट थे और जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे तो जब उधर से ना पटरी है तो वहाँ से ट्रेन के साउंड ट्रेन निकली, तो हम बड़ा खुश होते थे, बड़ा मजा आता था। तो जब दिन आ रहा था तो बड़ा मजा आता। एंड एक बात और, जब हाँ ट्रेन भी आती होती थी ना जब हम छोटे होते थे, तो हम ट्रेन को देख के ऐसे बाय करते थे, और टीटी भी हमें बाय करके जाता था भाई। वो फीलिंग जो आती थी ना, वो नेक्स्ट लेवल आती थी। देखो वहाँ पर बर्गर वाली रेडी लगी हुई है, तो वो भी नहीं दिख रही यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको अनोखे तरीके से ये एक्सरसाइज लगा के दिखाने वाला हूँ। एक तो ये दो ले सकते हैं ना, इधर आओ हर्ष, इधर आओ हर्ष, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी। ये देखो एक तो ये है ना, ये स्टाइल से नोब लेते हैं, नोब एक्सरसाइज करते हैं ये स्टाइल से, और हम लेजेंड्स करते हैं एज। ये हमारी प्रो लेवल एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ होती है, एंड हमारे वेस्ट स्ट्रेंथ होती है, एंड हमारे लेग आल्सो। ये देखो ये ऐसे तरीके से है, हम लेजेंडरी हैं हम तो भाई। भाई हर्ष की बारी है, देखो ये कहाँ तक लेके जाता है।
ये तो पूरा लेट ही गया भाई। ओ भाई साहब ओए संभाल के जरा, ठीक है ना। ये देखो भूत आ गया अभी। ओ भाई ये खुद ही ले रहा है अपने आप ही। ओ भूत साहब ये देखो बंदर यहाँ पर लटक रहा है एक। ओ स्ट्रेचिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं ये दूसरी पार्क में जहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे पहले। तो यहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे एंड एक बात और, एंड ये जो यहाँ पर ना ट्यूबवेल है एंड यहाँ का जो कांच है ना वो भी हमने ही तोड़ा फुटबॉल खेलते खेलते। एंड उधर का भी ये देखो एक ये भी है, ये भी तोड़ा है। एंड ये जो दीवार है ये भी हमारी वजह से ही टूटी है। एंड एक बात और, यहाँ पर हम चढ़ के ऊपर, अभी तो हम चढ़ नहीं सकते बट यहाँ पर हर्ष की बर्थडे पार्टी भी हमने की थी। हाँ हर्ष यहाँ पर ही ऊपर चढ़ गए थे, केक वूक कट गया था, यही ट्यूबवेल है भाई। हाँ कभी उधर चल जाती है। हाँ इधर ये वाली साइड ना बहुत झाड़ियाँ। एंड एक बारी तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर ने ना ट्रांसफार्मर पे लगी थी, ठॉक करती बॉल। तो ये देखो ये फीलिंग का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इतनी ठंड है और ये आग बाली हुई है एंड सब ग्रुप वाइज बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स जगह जगह यहाँ पर ना पान मसाले के शिखर, कोई है कोई यहाँ पर पता नहीं क्या है, मसाले मसूले यहाँ पर सारे फेंके हुए हैं, बिखरे बिखरे हुए पड़े हैं यहाँ पर। अभी हर्ष अपने घर जा रहा है एंड मैं अपनी डाइट लेके जा रहा हूँ अपना सीधा जिम, क्योंकि जिम जाना स्किप नहीं करता। ये कह रहा है सो जा, नहीं सोना है भाई, जिम नहीं कभी स्किप करता मैं। चलो ओके। तो वैसे तो अभी मैं जा रहा था जिम, तो अभी आ गए हैं अपने पापा, तो पापा के साथ जा रहा हूँ। पता नहीं किधर है ये, पापा तो अंदर गए हुए हैं, ये अपनी वैम्पी। तो हियर वी गो, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड वो भी बाइक पे, तो कुछ किधर। तो अभी अपना इम्पोर्टेंट काम ख़त्म हो गया इसलिए पापा मुझे छोड़ गए हैं अपने जिम। तो चलते हैं अंदर सीधा जिम, लगाते हैं आज चेस्ट लगानी है, तो लगाते हैं अभी चेस्ट, अंदर जाते हैं देखते हैं आए हैं कि नहीं आए लोग। तो आज वर्कआउट लगाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि देखो भीड़ बहुत लगी हुई है वर्कआउट एंड ये तो अपना डांस कर रहा है। सो फ्रेंड्स वर्कआउट इज डन, अपना वर्कआउट कर लिया है और जो एप्स पे एक्सरसाइज लगानी स्टार्ट की थी वो भी अपनी कर दी हुई है। तो देखो यहाँ पर ही बैठ के, यहाँ पर ही लेट के की है। तो फिर अभी चलते हैं सीधा घर, घर पर जाके लेते हैं अपनी डाइट। बाहर आते ही ठंड लगनी स्टार्ट हो गई, अंदर था तो टेम्परेचर ठीक था, बाहर तो माइनस पे ही है टेम्परेचर। पुलिस भी लगी हुई है अपना ड्यूटी करने। तो अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ क्योंकि ये देखो ट्रक निकल रहा है ना, तो इसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये पीछे भी कार आई है, ये निकलने वाली है जैगवार और पीछे रेंज रोवर रखी हुई है। वो सामने हॉस्पिटल है बट अभी कवर हुई पड़ी है उसके कारण। देखो अभी मैं अपनी गली में एंट्री कर गया ना, ये देखो मेरे साथ साथ ही घूम रहा है, ये हमेशा हर बार मेरे साथ साथ ही घूमता है जब भी मैं गली में एंट्री करूँ। तो एक तो शिकारी वो बैठा हुआ है, देखो देख लिया मुझे, आएगा ये, आने लगा ये देखो।